हमारे साथ सुनील अलग जी भी जुड़ गए हैं। सुनील अलग जी, चार्जर, मोबाइल फोन, उसके कुछ पार्ट्स, उस पर भी जो ड्यूटी है उसको बढ़ाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम कहां बात करते हैं कि रेवोल्यूशन होना चाहिए और हर हाथ में मोबाइल फोन पहुंचना चाहिए, आईटी रेवोल्यूशन, और उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो इसका तो विपरीत असर होगा। नहीं देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, देखिए मेरे तीन आइटम्स थे जो इस बजट में चाहिए, कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्रिएट जॉब्स एंड इंक्रीज स्पेंडिंग, ये तीनों चीज। नाउ जो भी जॉब्स के लिए उन्होंने बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसे दे दिए, तो ऑटोमेटिकली जॉब्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड। और देखे हैं कि जो भी गरीब के हाथ में आता है वो हमेशा खर्च करता है, तो जितने रोड्स, रेलवे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बहुत ही ज्यादा हुआ है। जो फार्मर के बात है, देखिए आपको सोचना चाहिए कि पिछले साल 3-4 बार आपको कुछ कुछ दिया गया है, अब आप सोच रहे हैं कि वो हम भूल जाते हैं, अभी हम नया बजट क्यों देखेंगे, वो वैसा नहीं। उन्होंने शुरुआत में ये कहा था, देखिए दिस इज एन एक्सटेंशन, और जो पुराना जो हम लोग पिछले साल जो हमने किया है उससे ऊपर हम ये दे रहे हैं। तो आपको होलिस्टिक व्यू देना चाहिए कि आपके फार्मर्स के पास क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। 23 न्यू प्रोडक्ट आ गए हैं जो एमएसपी के लिए, एमएसपी 1.5 टाइम्स हो गया है। और ऐसा अगर आप कहें कि मुझे तो सब कुछ चाहिए जिंदगी में, तो फिर बाकी देखो गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतने ही पैसे होते हैं, सिर्फ फार्मर्स को नहीं करना चाहिए, उनको मिडिल इनकम ग्रुप कंप्लेन कर रही है अभी कि भाई साहब मेरे लिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो पूरे देश को लेके उन्होंने ना तो टैक्स बढ़ाया, अभी तक मेरे ख्याल में कोई टैक्स नहीं बढ़ा, लेकिन ये देखना चाहिए कि देख अब जो कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए जो मैं कहता हूं एक चीज सिर्फ, एक्चुअली इट्स एन एक्सेप्शनल बजट इन दिस ईयर, ओनली वन थिंग, एक्सपेंडिचर ऑन स्पेंडिंग हैज नॉट बीन डन। मैं कहता था उनके हाथ में, मिडिल इनकम ग्रुप के हाथ में पैसे वहां दीजिए, वो सेव करेंगे। आप एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल, एक्सपेंडिचर ऑन होटल्स, एक्सपेंडिचर ऑन रेस्टोरेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन एनीथिंग, उसके ऊपर आप टैक्स रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन ये छोड़ के उन्होंने बहुत ही बढ़िया बजट बनाया इस साल। देखिए 9.5% उनका फिस्कल डेफिसिट हो गया, तो आपके मुताबिक एक बेहतर बजट है, जिस तरह के हालात हैं उसमें इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। हालांकि कुछ और आपके मुताबिक राहत देनी चाहिए थी कुछ क्षेत्रों को, जो स्पेंडिंग है उस पर, लेकिन वो नहीं किया गया है। क्या थोड़ा कंजर्व, लेकिन हमारे साथ इस बीच गौरी चड्ढा भी जुड़ गई हैं। गौरी, जो टैक्स रिलीफ की लोग उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिली है, लेकिन 75 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं भरना होगा, बशर्ते कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ पेंशन है, यही है इसका मतलब, इसको अगर समझाएं आप हमारे दर्शकों को। एक्सप्लेन कर देती हूं, 75 इयर्स से ऊपर जो लोग हैं उनको रिटर्न नहीं भरनी है, टैक्स की कहीं बात नहीं की गई है, ये बताया गया है फाइनल प्रिंट में कि जो 75 से ऊपर लोग हैं उनको बैंक में जाना होगा, स्पेसिफाइड बैंक में जाना होगा, अगर उनकी पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम है उनको बैंक को डिक्लेयर करना होगा, बैंक 87A की रिबेट देगी, चैप्टर 6A की डिडक्शंस देगी, वो सब कैलकुलेट करने के बाद आपका टैक्स वो बैंक काट लेगा TDS के तौर पे। लेकिन इसका और आप उसके बाद आप रिटर्न भरने से आप दूर रह सकते हैं, आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा कोई रिलीफ है सिर्फ रिटर्न फाइलिंग का, क्योंकि वैसे भी पेंशन और इंटरेस्ट से अगर आपकी इनकम है तो रिटर्न भरना बड़ा आसान था। टैक्स पूरी की तरह से माफ कर देते तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।